What's up मेरे YouTube की पब्लिक, इट्स अभिषेक साइनिंग इन विद अ न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए होने जा रही है जो अपने स्किन को एक प्रॉपर ग्लो देना चाहते हैं, जो अपनी स्किन को और अच्छा बनाना चाहते हैं, ना कि उनके लिए जो अपनी स्किन को ब्लैक से व्हाइट करना चाहते हैं। देखो यार, आपको अपनी स्किन को ब्लैक से व्हाइट करने के पीछे नहीं दौड़ना है, आपको दौड़ना है आपकी जो भी स्किन है उसको अच्छा करने में। तो ये वीडियो मैं उन्हीं लोगों के लिए लाया हूं जो चाहते हैं उनकी स्किन और अच्छी दिखे और अच्छा उनका फेस लगे। तो इस वीडियो में मैं वो सारी चीजें कवर करूंगा जिससे आपका फेस अच्छा दिख सकता है। ये वो एंड तक देखते रहना और बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए सीधा स्टार्ट करता हूं मैं वीडियो को। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वो घंटा भी बजा दीजिएगा ताकि जब भी मेरी अगली वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे को बता दीजिएगा आज जो मैंने अपना नया इंट्रो बनाया है वो आपको कैसा लगा है, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब हम अपने वीडियो की तरफ मूव करते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट होने जा रहा है ये है भाई सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमेशा से मैं बोलते आया हूं, जितने बार मैंने स्क्रीन के ऊपर वीडियो लाई है उतने बार मैंने इस चीज को बोला है, वो है वॉटर। आप दिन में जितना पानी पी सकते हैं उतना पानी पीजिए। मैं खुद पर्सनली एक बोतल कैरी करता हूँ, वाटर बोतल, जिसमें मैं अपना पानी हमेशा भरा रखता हूँ और दिन भर पानी पीता रहता हूँ। पानी पीने से क्या होता है, आपकी स्किन क्लियर रहती है, जो भी आपके बॉडी का वेस्ट है वो यूरिन के थ्रू निकल जाता है। तो जितना हो सके उतना आप लोग पानी पिया कीजिए। तो अब मुझे बताऊं सेकंड पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट है फेस वॉश। मैं देखा हूं यार बहुत ऐसे लोग हैं जो अपना फेस वॉश नहीं करते हैं, और या फिर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके फेस पे बहुत सारा डर्ट कैरी करते हैं या फिर बाहर जाते हैं और आके उसी तरीके से सो जाते हैं। ये बिल्कुल गलत चीज है। आपको अपना दिन में दो बार फेस वॉश करना है, और जो लोग बाहर जाते हैं डर्ट प्लेसेस पे जाते हैं या फील्ड एरियाज पे जाते हैं उनको तीन बार करना पड़ेगा। एक तो जब आप वहां से वापस आ रहे हो तब करो, एक सुबह उठ के करो और एक रात को सोने से पहले। सोने से पहले क्यों? देखो रात को क्या होता है, आपकी स्किन जो रहती है वो रेस्ट लेती है। अगर उस समय में कुछ डस्ट पार्टिकल्स या फिर कुछ भी डर्ट आपके फेस पे रहता है तो आपकी स्किन को प्रॉपर रेस्ट नहीं दे पाता, जिसके कारण आपकी स्किन अच्छे से ग्लो नहीं कर पाती है। तो इसलिए आपको रात को सोने से पहले भी फेस वॉश करना है। तो कभी भी ऐसे आके आप लोग सीधा बिस्तर पर मत पड़ जाओ, सबसे पहले जाके अपना फेस वॉश करो, अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन रखो, मॉइस्चराइजर यूज करो और तब आके सो। तो अब मूव करते हैं थर्ड पॉइंट पे जो कि है स्वेट। देखो जैसे आपकी बॉडी के लिए यूरिन इंपॉर्टेंट होता है, जैसे यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी का वेस्ट निकलता है, उसी तरीके से आपकी स्किन का वेस्ट जो निकलता है वो होता है स्वेट के थ्रू। अब स्वेट देखो, अब आप लोग लॉकडाउन में बाहर खेलने जा नहीं सकते हो, लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल कुछ भी, या जिम जा नहीं सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना है, किसी भी ऐप के थ्रू या खुद से एक्सरसाइज प्लान करके आपको एक्सरसाइज करनी है, होम वर्कआउट करना है। उससे क्या होता है, आपकी बॉडी भी फिट रहेगी और आपकी बॉडी से स्वेट भी निकलेगा, जिससे आपकी स्किन क्लियर रहेगी। अब मूव करते हमारे फोर्थ पॉइंट पे जो कि है फेस पैक। देखो इंडिया एक ऐसा रीजन है यार जहां पे लोगों को टैनिंग बड़े आराम से हो जाती है, तो यहाँ पे हाथ पे टैन, फेस पे टैन, आपको यहाँ पे टैन बहुत जल्दी हो जाता है। तो उसके लिए मेरे पास एक पेस्ट है जो आप यूज कर सकते हो, जिसमें आपको यूज करना है सबसे पहले बेसन और दूसरा है हनी। इसको आपको मिक्स कर देना है और मिक्स करके अपने फेस पे लगा लेना है, और इसको आपको 15 मिनट्स के लिए अपने फेस पे छोड़ देना है, इससे उसको क्लीन कर देना और फिर अपना फेस वॉश से अपने फेस को वॉश कर लेना है। इससे आपका टैन भी रिमूव हो जाएगा और आपकी स्किन भी हेल्दी रहेगी। अब मूव करते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, उनके लिए होने जा रहा है जिनको पिंपल्स बहुत ज्यादा आते हैं। देखो यार जब आपके फेस पे पिंपल आ रहे हैं उसको बार बार टच मत करो अपने हाथ से, बिकॉज उससे क्या होता है आपके पिंपल्स फेस पे और फैलने के चांसेस रहते हैं। तो आपको अपने फेस पे कभी भी पिंपल्स को टच नहीं करना है, और मैंने पिंपल्स कैसे हटाए उस पर एक वीडियो पहले बना दी है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसकी हेल्प से आप अपने पिंपल्स को हटा सकते हैं। तो अवॉइड टचिंग योर फेस जब आपके फेस पे पिंपल है, या जब आप बाहर भी कहीं जा रहे हो तो अपने हाथों से अपने फेस को मत छुओ, आपके हाथ पे डस्ट रहता है, डर्ट रहता है, जिससे अगर आप फेस छुओगे तो आपका फेस गंदा हो जाता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। मैंने इस वीडियो में ना तो आपको कोई क्रीम के बारे में बताया है, ना बहुत सारे फेस वॉश के बारे में बताया है, नेचुरल चीजें बताई है, ऐसी चीजें बताई जो आपको बड़े आराम से आपके यहाँ मिल जाएगी, या जो आप बड़े आराम से कर सकते हैं और उससे आपकी स्किन बहुत अच्छी दिख सकती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल पर नए हो तो इस लाल बटन को व्हाइट करना है और बाजू वाले घंटे को दबा देना है, ताकि जब भी मेरी अगली वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे सेक्सी, बाय बाय, लव यू ऑल।